15th अप्रैल 1452 इटली में पैदा होते हैं रेनेसांस पीरियड के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची। जी हाँ, वही जिन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे अमेजिंग आर्टवर्क्स क्रिएट किए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इस अमेजिंग आर्टिस्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, ग्रेव रॉबर। हालांकि ऐसा सच कोई ऑफिशियल सोर्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि रेनेसांस पीरियड के दौरान डाइसेक्शंस करना रिलीजियसली टैबू माना जाता था, तो चर्च वगैरह अलाउ नहीं करते थे। लेकिन डा विंची को ना ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी, मसल्स, बोन्स, नर्व्स, इन सब चीज़ों को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो यही कारण था कि उन्होंने सीमेंट्री से 30 से ज़्यादा डेड बॉडीज कलेक्ट करके अपने ही घर पर डाइसेक्ट किया और मसल्स, बोन्स, इन सब के स्केचेस तैयार किए। ये सब वो इसलिए कर रहे थे ताकि ह्यूमन एनाटॉमी को वो समझ सकें, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग को वो समझ सकें। इवन ही सक्सेसफुली डाइसेक्टेड द ह्यूमन हार्ट। हालांकि 2 मई 1519 को डा विंची की डेथ हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी कंटिन्यूड है।